हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम बना रहे हैं फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें अपना रिलीजन बच्चों को समझाने में हमें समझ नहीं आती कि हम कहाँ से शुरू करें। दैट इज़ व्हाई आई वांट टू मेक दीज एक्टिविटीज फन फॉर देम टू रिमेम्बर, राइट? सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर रोहान। जैसे ही रोहान आते हैं वी गोना फिनिश द एक्टिविटी विथ हिम, बट आई वॉन्ट टू जस्ट स्टार्ट बाई कंस्ट्रक्टिंग द पिलर्स। तो हम बनाएंगे द फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम, विच इज शहादत, सलाह, नमाज, ज़कात, हज एंड रोज़ा। ठीक है ना? सो दीज आर द फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम और वो हम बना रहे हैं। ये मैंने पहले ही पिलर्स की शक्ल में बना के रखे हैं, बहुत क्यूट लगेंगे। दीज आर द फाइव पिलर्स दैट वी विल बी स्टिकिंग एंड देन वी टैग। ठीक है? सो दीज आर फोर, आई एम गोना डू वन इन फ्रंट ऑफ यू ताकि आपको पता हो कि हम ये किस तरह करते हैं। Got a lot of calls for Mother's Day and
So this is a box. It's pretty much like wrapping paper जो होता है, ठीक है? अच्छा, आपने बस ये make sure करना है कि आपका जो front वाला side है, वो पीछे ना जाए. Yeah.
understand and they will get to know that what are the pillars jiske upar Islam ki bunyad hai. Theek hai? Because when I asked Rohan, ke Rohan, so he had obviously no idea because we had never discussed it. So I thought ke humne, maine, although unko ungliyon pe ginwaya, magar bachche hain, unko yaad nahi rehta. So I thought ki main ek aisa craft banaun jiski wajah se in bachon ko yaad rahega. So these are the five pillars that I'm making of Islam, which is why they are going to remember what are the fundamental five important things of Islam that make Islam the most beautiful religion in this world. Theek hai ji? So agar aapko koi
यू नो यू कैन डिस्कस दीज थिंग्स विद देम कि ये क्यों है पांच पिलर इस्लाम के और इसके अलावा क्यों नहीं है कोई पिलर्स इस्लाम के. सो एक अच्छा बहुत हेल्दी डिस्कशन ये बन सकता है लाइक अ डाइनिंग टेबल टॉक, राइट. तो आपने जो है वो इसको डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं कि ये देखें मामा आज हमने ये बनाया है और इस पे हम डिस्कशन करेंगे. सो दिस इज अ वेरी नाइस डिस्कशन टू सकते हैं. आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं बच्चों को इन पिलर्स से पेंट
इसको आप किसी भी तरह डेकोरेट कर सकते हैं। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल वे ऑफ डेकोरेटिंग बता रही हूँ, ताकि आप इनको बच्चों से पेंट भी करा सकते हैं, बहुत क्यूट लगेंगे ये पेंटेड। बट आई एम सॉरी, रोहान वॉज बिजी डूइंग हिज होमवर्क टुडे, बिकॉज वो दिन में नहीं, उन्होंने सुबह नहीं किया, तो होमवर्क तो जरूरी है, तो इसलिए छुट्टी नहीं थी आज के आर्ट क्लास के लिए। ठीक है ना? सो दिस वॉज दैट, आई होप यू एंजॉय इट एंड मेक इट हाउ एवर यू वॉन्ट। यू वॉन्ट टू पुट ग्लिटर कार्ड्स ऑन इट और एनीथिंग यू नो, यू कैन पुट दैट लाइक दैट। ठीक है, इस पर आप बच्चों का नाम लिखवा सकते हैं और चीजें कर सकते हैं। यू कैन डू सो मच विद इट। ठीक है, वी कैन जस्ट प्लेस दिस सो दैट इट इज शाइनी एंड ब्यूटीफुल। एंड प्लीज मुझे जरूर टैग कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप टैग करते हैं और मेरी चीजों को पसंद करते हैं। आई एम रियली हैप्पी। Guys, so always turn the edge of the table.
this. This is called Under the Ocean, Exploring Under the Ocean. Okay? So this is a nice way for kids to enjoy ke hum agar torch light hamare andar paani ke to hame kya kya milta hai. So it's providing for that. Okay? Ab hum isko kar lete hain. Sorry, main without measurement kar rahi hu because main thodi si jaldi mein hu aaj. I have to send a few things to people and ठीक है ना, इसको हाफ किया।
पसंद आई हूँ. आई हैड अ लॉट ऑफ फन. आई ऑलवेज हैव फन प्लेइंग द आर्ट टीचर. बट मुझे बहुत अच्छा लगा ये भी करके. मैंने देखा था ये, सो आई थॉट आई वुड शेयर इट विद यू. इट्स अ लॉट ऑफ फन. इट्स रियली क्यूट. यू कैन प्ले अ गेम विद किड्स. आप बच्चों के साथ गेम खेल सकते हैं कि कौन से एनिमल को देखते हैं और टॉर्च कहाँ तक जाती है. एंड दिस ऑब्वियसली द फंडामेंटल फाइव पिलर्स कि वो क्या है. ठीक है, आज हमारे पास एक बहुत मज़े की ज्वेलरी आई है. एंड दैट ज्वेलरी has been given to us by Anisa Yunus. और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं help कर रही हूँ सारी ख़वातीन को उनके कामों के लिए. So ये देखिए, ये उनका एक गले का हार है. It's really pretty. बहुत सारे different colors हैं उनके पास और मैंने choose किया yellow. और ये उनकी बहुत का इसमें